न्यूज एक्सप्रेस के आज के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दरभंगा में आकर लालू यादव व कांग्रेस पर साधा निशाना। लालू यादव को बताया बिहार का रॉबर्ट वाड्रा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का दरभंगा आगमन, लिए कई कार्यक्रमों में भाग, स्वागत के लिए पहुंचे थे भाजपाई। लहरिया सराय के नेहरू स्टेडियम में रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी व मंत्री राम नारायण सहित कई मंत्री व विधायक ने किया रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भीमराव अंबेडकर सभागार में किया राजस्व से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक, दिए कई अहम निर्देश। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादराबाद नीम पोखर के पास से 630 बोतल अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब पुलिस ने किया बरामद। तेजस्वी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बिहार में पहली बार मिथिलांचल ऑटो फेयर कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा में। युवराज एजेंसी की ओर से ऑटो फेयर कार्यक्रम में लिया गया हिस्सा, सुजुकी के बाइक में लोगों की दिखी दिलचस्पी। लहरिया सराय के कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों की बैठक, लिए गए कई अहम निर्णय। उत्तर बिहार में पहली बार कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम का सफल ऑपरेशन, शेखर नेत्रालय एवं कान नाक गला अस्पताल में निशुल्क किया गया ऑपरेशन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रविवार को दरभंगा दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लहरिया सराय के सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को बिहार के रॉबर्ट वाड्रा तक बता डाला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रविवार को अपने दरभंगा दौरे में लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि संपत्ति अर्जित करने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किसी को नहीं बख्शा। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से भी मंत्री बनने के एवज में जमीन ली। पटना में सिद्दीकी की लाखों की जमीन की रजिस्ट्री राबड़ी देवी के नाम मात्र 37,000 रुपये में करवाई गई है। आज लालू प्रसाद की गलती का खामियाजा उनका पूरी परिवार भगत रहा है। रविवार को शाम सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुमो ने कहा कि लालू प्रसाद बिहार के रॉबर्ट वाड्रा हैं। विधायक बनने के एवज में राकेश रंजन मोहम्मद शमीम से वसीयतनामा लिखवाया। इसमें वर्णित है कि मेरे मरने के बाद अमुक जमीन तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव का नाम हो जाएगी। साले प्रभुनाथ यादव को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस राजद पर निशाना साधते हुए सुमो ने कहा कि वंश पर परिवार के आधार पर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, यह परंपरा गलत है। राजद में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद सिंह आदि अध्यक्ष पद के काबिल उम्मीदवार हैं। इसी तरह कांग्रेस में भी एक से बढ़कर एक नेता हैं। बाढ़ के स्थानीय समाधान पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मिथिलांचल के साथ के अस्थायी समाधान के लिए प्रयासरत है, लेकिन नेपाल में राजनीति अस्थिरता इसमें सबसे बड़ा बाधक है। बावजूद प्रयास जारी है। हाल में नई दिल्ली आए नेपाली पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ के अस्थायी समाधान की दिशा में बातचीत की थी। सुमो ने कहा कि सूबे में पहली बार सभी बाढ़ पीड़ितों के खातों में 6,000 रुपये दिए गए हैं।
बिहार सरकार इसके लिए अपने बजट में 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। टूर्नामेंट के सिलसिले में हम लोग का दरभंगा अनुभव हुआ था और बिहार सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी विवेक सिंह जी की पूज्य पिता उनके माता जी की स्मृति में एक अंतर प्रखंडीय टूर्नामेंट का आयोजन था जिस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे और इस दौरान हम लोगों ने और बाढ़ की स्थिति की भी समीक्षा की इस जिले के लिए। तो बाढ़ के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, कितनी आबादी प्रभावित थी, किस तरह की बाढ़ थी, लेकिन पहली बार पूरे बिहार में और प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को 6,000 रुपया उसके खाते में RTGS के माध्यम से ट्रांसफर किया और दरभंगा जिले में भी और कुल मिलाकर 4,15,000 परिवारों को 6,000 रुपये की राशि RTGS के माध्यम से और उपलब्ध कराई गई है। ये पहली बार बिहार के अंदर बाढ़ प्रभावित लोगों को 6,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है और लगभग 1,00,000 परिवार अभी बचे हुए हैं, उनकी भी राशि के लिए याचना दी जा चुकी है और ये सारा पैसा बिहार सरकार अपने बजट से खर्च कर रही है, जिसे बाकी बहुत सारे राहत कार्यों में केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता रहती है, लेकिन ये जो 6,000 रुपया है ये राज्य सरकार पूरे तौर पर अपने बजट से बैकअप लगभग 2,000 करोड़ रुपये ये हम अपने बजट से और बाढ़ पीड़ितों को हम इसके लिए और मदद कर रहे हैं। उसी प्रकार प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को 10-10 किलो का पैकेट, उसे 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, चीनी, नमक, हेलोजन टैबलेट, ये तमाम सामग्रियां जो हैं और उनको पहुंचाने का काम किया गया है। एक अच्छी बात है कि 98% लोगों का खाता खुला हुआ था, प्रधानमंत्री की जो कल्पना थी जनधन योजना कि हर गरीब का बैंक खाता हो, इस हर गरीब के बैंक खाते का लाभ ये मिला है कि सरकार को जब पैसा भेजना था तो बहुत कम समय में और पैसा भेजा जा सका, इसमें न कोई दलाल है न कोई बिचौलिया है। एक समय में जब नगद वितरित करते थे इतनी तरह की समस्याएं आती थी, बैंकों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, 84 लोगों की मृत्यु हुई है और 67 लोगों को 4,00,000 रुपया दिया जा चुका है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए मैंने DM को कहा कि पटना से अनुदान आने का इंतजार न करें, दूसरे किसी निधि से उनको तत्काल पैसे का भुगतान कर दिया जाए ताकि जो मृतक परिवार हैं उनको उसका तत्काल लाभ मिल सके। मित्रों, इसी प्रकार जो मछली उत्पादक किसानों को, जो मछली पालक हैं उनको भी अनुदान देने का प्रावधान है, तो उसके लिए भी और सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है कि किसकी कितनी मछली क्या नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन किया जाए। उसी प्रकार 35 पशुओं के मरने का समाचार है तो उनको भी जो है और जो मुआवजे का जो प्रावधान है और वो किया जाएगा। अभी तक का फसल क्षति का जो आकलन किया गया है
149,000 acres में फसल क्षति का आकलन किया गया है और उसके लिए 80 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो पटना जाकर जल्द इस पैसे को भिजवाएंगे ताकि सर्वेक्षण का काम लगभग पूरा हो गया है और इसलिए जो उनको कृषि इनपुट सब्सिडी दिया जाना है उसका भुगतान उनको जल्द से जल्द किया जा सके। मित्रों, बहुत बड़ी बाढ़ थी और मुझे आज भी याद है, और पुराने लोग जो यहाँ पर होंगे जो 20-25 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि 2005 के पहले राहत वितरण का क्या हाल था बिहार, तो मुझे सिर्फ टावर चौक पर 72 घंटे का अनशन करना पड़ा। तो 2005 में राहत किस तरह से वितरित होता था, दिखावे के लिए कुछ लोगों को मिल गया और 3/4 आबादी जो है वो राहत के लिए तरसती रहती थी, लेकिन बिहार सरकार ने इतनी बड़ी विपदा, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी प्रभावित थी, लेकिन प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां आई, केंद्र की भी पूरी मदद रही, NDRF की 20 टीम यहाँ पर थी, सेना को भी लगाया गया, हेलीकॉप्टर केंद्र की सरकार ने हेलीकॉप्टर दिया और SDRF ने राज्य का आपदा प्रबंधन फोर्स, कोसी की बाढ़ के बाद हम लोगों ने आपदा के लिए एक अलग से बल का गठन किया। 2005 के पहले जब बाढ़ आती थी यही होमगार्ड के जवान, यही पुलिस वाले, यही बचाव का काम करते थे जिनको उसका कोई प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन 2007 के कोसी की बाढ़ के बाद स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राज्य आपदा क्या कहेंगे इसको, प्रबंधन फोर्स बल, रेस्पॉन्स बल, इसका गठन किया गया और यह जो बल है यह केवल आपदा का मुकाबला करने के लिए, इसकी ट्रेनिंग है केवल बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी गई, और जो कम उम्र के लोग रहते हैं और ख़ास तरह की ट्रेनिंग होती है, इस बल का गठन किया गया। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर यह बल है और इस बार की बाढ़ के बाद हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक पंचायत में 5 नाव और सरकार खरीद कर देगी, MLA फंड से भी बनेगा और राज्य सरकार पैसा उपलब्ध कराएगी, हर पंचायत में 5 नाव, पिछले वर्षों में धीरे धीरे नाव की संख्या घटती चली गई, सड़कें बन गई, बाकी बन गई, आवागमन के साधन बढ़ गए, लेकिन इस बार भी ध्यान में आया कि नावों की भारी कमी है, वे प्रति पंचायत तो करीब 300 से ज़्यादा पंचायत है दरभंगा जिले में, तो 1500 पंचायतों सरकारी नाव उपलब्ध हो गई और ये पॉलिथीन की शीट, इसको भी करीब 8000 पॉलिथीन शीट यहाँ स्टोर करके रखा गया था, लेकिन और बड़े पैमाने पर पॉलिथीन की शीट को इकट्ठा करके रखा जाएगा, यानी मैं जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोगों ने दिन रात मेहनत करके और बाढ़ का मुकाबला किया है, हर जगह कुछ कुछ कमी रहती है, जनप्रतिनिधियों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, कहीं नाम छूट गया, कहीं गलत नाम जुड़ गया, तो DM से मैंने कहा कि अलग से समिति बनाकर कोई जांच बैठाकर जहां नाम छूट गए हैं उन तो नामों को जुड़वाने का काम, जहां गलत लोगों को मिल गया है वहां पर उस पर कार्रवाई करने का काम, तो इसलिए खास करके जो आंशिक प्रभावित पंचायत या प्रखंड है वहां पर ये समस्याएं कई जगह रहती हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट। दरभंगा आगमन से पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व पर्यावरण एवं वन सुधार व भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल का भव्य स्वागत बिठौली में किया गया। इसके अलावा भी विभिन्न जगहों पर इनका स्वागत किया गया। We'll be right back.
जवान साथियों का मैं अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम आज जितना भी धन्यवाद देना चाहे विवेक जी को वह कम होगा। हम इस बात को कह सकते हैं कि दरभंगा जिला के अंदर यह स्टेडियम बने हुए वर्षों हो गए और बड़े ही जतन से यहां के लोगों ने एक खिलाड़ी को मौका देने का काम किया था। इस उम्मीद से कि शायद अन्य क्षेत्र में वो काम करे या न करे, खेल के विकास में उनका महती योगदान होगा। लेकिन हमारे दरभंगा जिला वासियों को तो निराशा हाथ लगा ही, हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खेल के क्षेत्र में उनका कोई भी योगदान नहीं हो पाया। आज दरभंगा वासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे समय में अगर कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिनका दरभंगा से जिनका कर्मभूमि और जन्मभूमि भी रहा है, उनके द्वारा अगर इस तरह का आयोजन किया जाता है तो हम तमाम दरभंगा वासियों को इसके लिए उनके प्रति आभार भी जताना चाहिए और हमारे लिए गर्व की बात। किसी के बच्चों के 50 साल के बाद भी इसको याद रखना ये कोई सामान्य बात नहीं है। लोग अपने माता पिता को 2-4 साल के बाद भूल जाते हैं, केवल इतर पक्ष के दौरान उनको तर्पण करके अपने काम की तीसरी मान लेते हैं। लेकिन मैं विवेक सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने पिता की स्मृति में और जो पिता 50 साल पहले दिवंगत हो गए, यानी उस समय विवेक सिंह जी की उम्र कितनी रही होगी आप इसका अंदाज कर सकते हैं। और जिनकी माँ स्वतंत्रता सेनानी रही और सामाजिक कार्यकर्ता रही, और जो रुद्र देव सिंह जी जो इस इलाके के अपने समय के प्रतिष्ठित खिलाड़ी रहे और उन्हें खेल कूद को भी प्रोत्साहित किया, उनकी स्मृति में आज ये रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है। मैं अन्य लोगों से भी आग्रह करूँगा कि अपने माता पिता की स्मृति में कोई न कोई सामाजिक कार्यक्रम
कोई गरीब बच्चों को पुस्तक बांटना हो, कोई छात्र वृत्ति देना हो, केवल तर्पण करके अपने काम की किसी मत करना। इसे अपने माता पिता की स्मृति में कोई ना कोई काम कीजिए ताकि आप उसके ऋण को उतार सकें। और से मित्रों, वेद सिंह जी एक बड़े कर्मठ होनहार प्रशासनिक अधिकारी हैं और आधा विकसित है जो विकसित देश है, आज अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, जर्मनी में, जो दुनिया के विकसित देश है वही खेल कूद के भी आगे है। जो पिछड़े और गरीब देश है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खिलाड़ियों पर उतना खर्च कर सके, नहीं तो खिलाड़ियों की कमी नहीं है। गांव देहात में गरीब घर में पैदा होने वाले लोग नौजवान, उनको अगर केवल मौका मिल जाए तो अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं। लेकिन सरकारों में संकट रहता है कि सड़क के लिए पैसा दें, कि बिजली के लिए पैसा दें, कि खेलकूद के लिए पैसा दें। फिर भी बिहार की सरकार ने पिछले वर्षों में खेलकूद को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने का काम किया और मुझे खुशी कि अभी लॉन टेनिस का यहाँ एक कोर्ट का उद्घाटन किया है। और मैं जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय यहाँ मौजूद हैं, सतवीर सिंह जी, आप सब लोगों के प्रयास या तो वॉलीबॉल का भी एक कोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए और बिहार सरकार की जो मदद की आवश्यकता होगी हम मदद करेंगे। और मित्रों, मैं एक और आग्रह करना चाहूँगा कि क्रिकेट के साथ साथ जो ऐसे खेल जिसमें खर्च कम है जैसे फुटबॉल, उसको भी ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, दुनिया के सारे देश फुटबॉल के मैदान में हिंदुस्तान में खेल रहे हैं। पहले मैच में हमने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया लेकिन मैच हार गए। मुझे याद है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे क्रिकेट का क्रेज उस जमाने में भी था, एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम, इस दोनों का निर्णय लिया जा चुका है और भवन निर्माण विभाग उसकी प्रक्रिया में लगा है। उसी प्रकार पटना में जो पाटलिपुत्र खेल परिसर है उसकी बाकी बची जमीन में एक और नया इंडोर स्टेडियम बनाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। और मित्रों, हम इस बात का रिव्यू करेंगे कि कम से कम जो प्रमंडल के केंद्र है वहां पर खेल कूद की और सुविधाएं क्या की जा सके। ये दरभंगा प्रमंडल का केंद्र है, मिथिला की राजधानी है, इसलिए दरभंगा में खेल कूद को प्रोत्साहित करने के लिए और किस तरह के आयोजन किए जा सकते हैं और किस किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर की जा सकती है इसके बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ अब तमाम खिलाड़ी इतनी धूप में बहुत देर से खड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं विदेश सिंह जी से यही कह रहा था भी कि केवल 85वीं वर्षगांठ को ये कार्यक्रम नहीं हो रहा, एक बार ये रुद्र सावित्री मेमोरियल प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई है, ये हर साल होना चाहिए ताकि लोग साल भर तैयारी करें, लोग साल भर इंतजार करें। और वीर सिंह ने मुझे आश्वस्त किया है कि रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता प्रति वर्ष दरभंगा जिले में आयोजित की जाएगी। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं रुद्र देव सिंह जी और सावित्री देवी जी को अपना नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विवेक सिंह जी को अपने माता पिता की स्मृति में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन के बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी,
शहीद जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी सत्यवीर सिंह के साथ जिला के कई विधायक एवं एमएलसी ने राजस्व से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक समाहरणालय में अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में की। इस दौरान पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादिराबाद नीम पोखर के पास से एक चार चक्का वाहन से पुलिस ने 630 बोतल अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब बरामद की है। बिहार में पहली बार मिथिलांचल ऑटो फेयर कार्यक्रम का आयोजन तेजस्वी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दरभंगा में की गई, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी, नालंदा के एमएलसी रीना यादव व 2015-16 की मिस इंडिया सुप्रिया एमन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
नहीं आ रही, सॉरी। बहुत अच्छा लग रहा है, बस एक को अच्छा लग रहा है, बाकी सब लोग सबको अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके दरभंगा में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मुंबई में जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, बहुत टैलेंटेड है सब, और हमेशा से सोचती थी कि यहाँ आऊँ देखूँ, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, मेहनती हैं, बाहर जाके नाम कमा रहे हैं, नाम कर रहे हैं दरभंगा का। चलो बढ़िया है, और ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए। रिंकू जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, सब हमारे मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं, मैडम भी आई हुई हैं, सब लोग यहाँ पे आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि कुछ तो नॉइज करो आप लोग, कुछ तो दिखाओ कि आप लोग भी उत्साहित हो यहाँ आके। तालियां ही बजा दो सबके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच रिंकू जी। थैंक यू। देखने के लिए बहुत तरह के बाइक है और सामान है मिलेंगे। अपने लोग के दरभंगा सारे पहली बार ऐसा ऑनलाइन हुआ है, ये बहुत ही खुशी की बात है। इस बहाने अपन लोग को तरह तरह के बाइक और सामान देखने को मिलेंगे। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, जैसा इन्होंने व्यवस्था रखी है बहुत ही अच्छी बात है। और हम चाहेंगे 3 दिन का प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा रहे और सबको इसका आनंद उठाएं और सब कोई इनका मनोबल ही बढ़ाएं साथ में, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि मनोबल नहीं बढ़ता है तो आदमी कार्यक्रम करने मज़ा भी नहीं आता है, तो मनोबल तो आप ही लोग बढ़ाइएगा तभी मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिथिलांचल और दरभंगा जिला तो पुराना कमिश्नरी है, और यहाँ यूनिवर्सिटी और मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे रहे। बहुत दूर दूर से लोग दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, और यूनिवर्सिटी में भी कई दूसरे जिला से लोग यहाँ बच्चे आकर के पढ़ते। तो यह जिला कई मामले में पहले से ही डेवलप, लेकिन एक महानगर का जो स्वरूप होता है, अभी भी हम लोग का जो रहन सहन का स्तर है, सक्षम रहते हुए भी हम लोग जिस विस्तारित ढंग से हम लोग को रहना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, और उसी कमी को दूर करने के लिए इनके द्वारा जो तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कई जगह पर इनका अपना भवन निर्माण का काम चल रहा, और हम लोग अपेक्षा करेंगे दरभंगा शहर के लोगों से और शहर के बाहर बहुत सारे प्रखंड ऐसे भी हैं जहां लोग चाहते हैं कि शहर में आकर के हम लोग अपना आशियाना हो, अपना घर हो, और यहाँ रह करके अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। तो वैसे लोगों के लिए भी इस कंपनी से सहूलियत मिलेगा, यह हम आशा करते हैं।
दरभंगा में आयोजित मिथिलांचल ऑटो फेयर कार्यक्रम में युवराज एजेंसी की ओर से लगाई गई स्टॉल में सुजुकी बाइक ने चार चांद लगा दी। कार्यक्रम में पहुंचे लोग सुजुकी बाइक के प्रति आकर्षक दिखे, वहीं कुछ लोगों ने तो स्टॉल से ही बाइक खरीद भी ली। सर ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है सर, ये मेनली जापान की कंपनी है और ये हर गाड़ी में सबसे अच्छी ये बात है सर, कम तेल का खर्च होता है सर, माइलेज ज़्यादा मिलती है सर और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी तरह की बाइकें सब अवेलेबल हैं यहाँ पे और आपको हर रेंज में हर तरह की बाइक मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज में भी है, कम से कम रेंज में भी है। कम रेंज में मतलब अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज फीचर्स वगैरह सब मिलेगी आपको उसमें। और इसमें जैसे स्कूटी हमारी है सर एक्सेस 125 जिसमें 125 सीसी की वो है सर, इसमें आपको सर सिक्योरिटी के लिए एक पुश बटन दिया गया है सर, इसमें आपको वो एक एक्स्ट्रा फीचर्स है सर, मोबाइल चार्जिंग भी दिया गया है सर, एलॉय व्हील्स हो गया सर, डिस्क ब्रेक हो गया और ऐसी कई सारी खूबियाँ जिसमें आपको अच्छी लगी है सर। मिनिमम रेट की कौन कौन सी गाड़ी है और बेस्ट प्राइस की जो बात सर, मिनिमम से मिनिमम आपको सर स्कूटी आती है सर 63,000 के रेंज में आती है सर ऑन रोड, जिसका नाम लेट्स है सर, और उसके बाद आपको उससे आगे जाइएगा तो आपको एक्सेस 125 मिलेगी सर जो कि 125 सीसी की है, वो आपको 69,000 के रेंज में ऑन। युवाओं के लिए कौन सा गाड़ी सर? युवाओं के लिए जिक्सर है सर, जिक्सर SF है, जिक्सर जो कि 85,000 के डाउन पेमेंट ऑन रोड मिलेगी और ये जिक्सर SF हो गया तो आपको 1,11,000 के ऑन रोड मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी बाइक है सर युवाओं के लिए, स्पेशली ये बाइक रेसिंग बाइक। फाइनेंस की भी सुविधा क्या कर रही है? यस सर, फाइनेंस की हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, इंडसइंड बैंक के थ्रू हम लोग फाइनेंस करते हैं, हम लोग 1-2 घंटा के अंदर में हम लोग तुरंत जितना जल्दी से हो सके फाइनेंस का। अभी ऑटो एक्सपो में गाड़ी डिलीवर हुआ है और यहाँ हम अभी ऑटो एक्सपो में आए हुए हैं, हमारा स्टॉल लगा हुआ है और हम एक गाड़ी डिलीवरी कर रहे हैं अभी और कई सारी बुकिंग भी हुई है आज। ऑफ़र कुछ है? जी सर, ऑफ़र भी है सर, अभी अगर आप बुकिंग करवाते हैं सर तो आपको एक हेलमेट उसमें फ्री मिलेगी सर, और हमारे यहाँ सर लकी ड्रॉ कूपन भी है सर जिसमें आपको उसमें कुछ ना कुछ कंफर्म एक इनाम फंसेगा सर। क्या नाम है? जी मेरा नाम सोनू कुमार हुआ सर। ठीक, इस बाइक का और इस रेसिंग बाइक सो हमको बहुत अच्छा लगा ये बाइक और माइलेज वगैरह भी अच्छा है, बाइक का क्या नाम होगा? रेडियो स्टेशन रोड में स्थित सीतायान विवाह भवन में दुर्गा पूजा समितियों के उत्साह वर्धन कार्यक्रम हेतु रविवार को मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान सभी पूजा समितियों को पाग चादर से सम्मानित भी किया गया।
राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला इकाई की ओर से रविवार को लहरिया सराय के कांग्रेस भवन में एक बैठक आयोजित की गई। दरभंगा जिला छात्र संगठन की ओर से नए छात्र इस संगठन से जुड़े हैं, उन्हीं के तहत आज दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में ये तमाम नए छात्र दरभंगा छात्र संगठन के अध्यक्ष श्री त्रिभुवन कुमार यादव जी के अध्यक्षता में ये लोग आस्था व्यक्त करते हुए NSY के सदस्यता ग्रहण किए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये दरभंगा जिला के छात्र नरेंद्र मोदी जी जो अच्छे दिन का सपना इन लोगों को दिखाए थे वो शायद इनको पूरा नहीं हुआ और इन्होंने कांग्रेस की तरफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के तरफ आदरणीय राहुल गांधी के तरफ आकर्षित होके इन्होंने छात्र संगठन का सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसलिए हम तमाम छात्रों को तमाम नौजवान को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में सैकड़ों नौजवान साथी हमारे जो ज्वाइन किया है वो श्री राहुल गांधी के विचारों को समझते हुए आज पूरे भारत का जो माहौल बना हुआ है बेरोजगारी का माहौल उसको देखते हुए कांग्रेस में जो इन्होंने आस्था व्यक्त किया इसके लिए मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। साथ ही आप लोग देखते होइएगा जो पूरे भारत में तकरीबन 10 यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ है, भाजपा की जो छात्र विंग है संगठन है तो कहीं भी एक भी सीट नहीं जीत पाई है और NSY 7-8 यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जीत हासिल किया है, कुछ यूनिवर्सिटी में निर्दलीय जीता है लेकिन भाजपा के लोगों को वहां पे सुफरा साफ हो गया है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं जो मैं तो खाली हाथ आया था और झोला उठाऊंगा चल दूंगा, इसका मतलब क्या है? आप लोगों को नौजवान लोगों को ठका गया है और मैक पे बोल के ठकना अगर कोई सीखता है तो भाजपा के लोगों से ठीके जो मंच पे खड़ा होकर के मैक से बोलता है कि झोला उठाऊंगा और मैं चल दूंगा, इसका मतलब सारे नौजवान समझ गए हैं और उनको सारे नौजवान अगले 2019 के चुनाव में उनके औकात पे ला करके खड़ा कर देगा। तो दो सीट पे वो थे, दो सीट पे चले जाएंगे। उत्तर बिहार में पहली बार कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम का सफल ऑपरेशन शेखर नेत्रालय एवं कान नाक गला अस्पताल में निःशुल्क किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दरभंगा में आकर लालू यादव व कांग्रेस पर साधा निशाना, लालू यादव को बताया बिहार का रॉबर्ट वाड्रा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का दरभंगा आगमन, लिए कई कार्यक्रमों में भाग, स्वागत के लिए पहुंचे थे भाजपाई। लहरिया सराय के नेहरू स्टेडियम में रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी व मंत्री राम नारायण सहित कई मंत्री व विधायक ने किया रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भीमराव अंबेडकर सभागार में किया राजस्व से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक, दिए कई अहम निर्देश। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादराबाद नीम पोखर के पास से 630 बोतल अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब पुलिस ने किया बरामद। तेजस्वी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बिहार में पहली बार मिथिलांचल ऑटो फेयर कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा में। युवराज एजेंसी की ओर से ऑटो फेयर कार्यक्रम में लिया गया हिस्सा, सुजुकी के बाइक में लोगों की दिखी दिलचस्पी। लहरिया सराय के कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों की बैठक, लिए गए कई अहम निर्णय। उत्तर बिहार में पहली बार कॉक क्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम का सफल ऑपरेशन, शेखर नेत्रालय एवं कान नाक गला अस्पताल में निःशुल्क किया गया ऑपरेशन। आज की खबरें अभी यहीं संपन्न हुई, इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद।